दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथिलेश। और आइए आज बात करते हैं ग्रो 130 टन जीएम के 5130 मॉडल नंबर है इसका, और इसके रेंट के कुछ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू सेटअप हो करते हैं। गया, इसको पहले सबसे पहले ऑन करेंगे। ऑन हो गया, ये एक केबिन के। ये अपना चाबी हो गया, इधर डिस्प्ले में लाइट आ गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सस्पेंसर अभी लॉक ही है। ये अपना ऑयल पानी का हो गया, डीजल उजल, टेम्परेचर, बैटरी। ये अपना पासिंग हो गया, इसे उठाने से पासिंग। ये अपना लाइट का हो गया, एम्बुलेंस लाइट हो गया। ये अपना आउटरिगर लाइट हो गया। ये अपना पार्किंग लाइट हो गया। ये हैंड ब्रेक हो गया अपना। ये अपना गियर हो गया, गियर इसको साइड वाला दबा के दो नंबर उठा लिया उधर, फिर दोनों एक साथ में दबाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। तो ये अपना एक्सीलेटर हो गया और ये ब्रेक हो गया। डायरेक्ट क्लच इसमें है नहीं, ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। अपना किलोमीटर हो गया स्पीड बताने वाला, हावर्स मीटर ऊपर वाले इंजन में होगा क्योंकि दो इंजन है। ये तो सस्पेंसर वाला है, ये वाला अभी देखिए। अभी सस्पेंसर ये सब फीका पड़ा है, ये डार्क होगा। अभी हो गया, अभी सस्पेंसर काम करेगा। तो आइए दोस्तों, अब इसके सस्पेंसर के बारे में हम जानते हैं। अभी देखिए, अभी ये सब फीका पड़ा हुआ है। ये पहले ये चाबी से डार्क होगा, ठीक है। अभी डार्क हो गया चाबी इधर घुमाने से। अभी ये काम करेगा अपना सस्पेंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे F5। ये F5 हो गया जो कि ऊपर नीचे दिखा रहा है। F5 दबाएंगे, अभी अपना ऐसा आएगा। अभी सस्पेंसर लॉक है, रेड है। इसको F8 दबा के अनलॉक करेंगे, ठीक है। इसे अनलॉक हो जाने के बाद से, अभी अनलॉक हुआ नहीं है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो ये चारों एक साथ में काम करेगा। पूरा सस्पेंसर जो है सबके साथ में, इसको ऐसे करने से ग्रीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे F10 से देखिए ऊपर जाएगा सस्पेंसर, ऊपर उठेगा। वही इसको करके तो चारों F9 करेंगे तो नीचे बैठेगा। बाकी पीछे का उठाने के लिए ये अपना दिया है, ये पीछे का उठेगा, ये आगे का उठेगा, ये इस बाजू का उठेगा सस्पेंसर, और ये इधर का उठेगा। ये सब दबा के F10 दबाना है हमें। F10 दबाएंगे तो उठेगा, उसके बाद से फिर से लॉक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे इसको। ठीक है, फिर चाबी काट देंगे। फिर देखिए ये सब फीका हो गया, यही है अपना सस्पेंसर का। देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रल है अपना, न्यूट्रल हुआ है। ये अपना हैंड ब्रेक हो गया, हैंड ब्रेक ये फ्री हो गया, ये हैंड ब्रेक चढ़ा है। तो अभी क्या, अभी जैक दबाना है, गाड़ी पोजीशन करना है, इसके लिए हैंड ब्रेक लगेगा। ये अपना एसी का हो गया। ये अपना ये जो है ये ऑटो में गियर लगेगा, इसको इधर करने से मैनुअल लगेगा, तो ऑटो में ही चलेगी अपनी गाड़ी। ये ऐसे दबाने से न्यूट्रल हो जाएगा, आपको बताया मैं। और ये ऐसे एक दबा के आगे करने से अपना गियर लगेगा, ठीक। तो आइए दोस्तों, अब आउटरिगर और सस्पेंसर के बारे में जानते हैं। अपना ये गाड़ी, ये जो स्विच हुआ, ये इसको इधर घुमाने से अपना सस्पेंसर डाउन होगा। उसके बाद से सस्पेंसर वाला ये जो है ना, ये देख रहे हैं आप, इस पे सब पे डार्क हो गया। इसको वही ऐसे रखेंगे तो ये सब हट गया, डार्क काम नहीं करेगा।
ठीक है दोस्तों, आइए पहले सेल्फ मारते हैं। पहले अभी क्या अपना ये रैम बाहर निकला है, तो रैम बाहर निकला है अपना, तो ये क्या करते हैं, लाइट लाइट जल गई, ये लाइट का हो गया आउटरिगर वाले लाइट का, ये अपने आगे का लाइट का हो गया, ये अपना एम्बुलेंस लाइट हो गया, ये अपना मीटर हो गया। ये सबसे पहले मैं सस्पेंसर नीचे करता हूँ आपको, ये हो गया। फिर उसके बाद से F5 दबाएंगे, ये जो है ऊपर नीचे का ऑप्शन दे रहा है, F5 दबाएंगे। फिर ये चारों F5 एक बार और दबाएंगे तो चारों नीचे जाएगा। अभी नीचे ले जाना पड़ेगा, इसको ऐसे दबाएंगे। फिर ये ऑप्शन दे रहा है F9 नीचे करने का और F10 ऊपर उठाने का, तो इसको दबा के ऐसे नीचे करने का। अभी सस्पेंसर अपना नीचे हो रहा है, हो गए सस्पेंसर नीचे। अब इसको सस्पेंसर को लॉक कर देंगे F8 से, ये रहा अपना F8, सस्पेंसर लॉक हो गया ये, ठीक है। अब इसमें से बैग निकलेंगे, ये ESC से, ESC क्या है, ESC, ठीक है दोस्तों। अब इसको ऐसे घुमा देंगे, ये अपना चला गया। आइए दोस्तों अपना आउट ट्रिगर दबाते हैं, दोस्तों ये हो गया अपना स्पीड के लिए और ये स्लोली के लिए, और ये अपना सैनी जैसा ही इसका जो भी है। अभी अपना सब आउटरिगर दब रहा है, इसे चारों होगा, ये वाला चारों नीचे जाएगा इससे, और इसे चारों ऊपर जाएगा। अभी चारों नीचे कर रहा है, लेवल करते हैं। ये अपना लेवल हो गया, इसको डिग्री में एक बार चेक करते हैं लेवल है या नहीं। ये 5 पे भी है और 1 पे भी है, लेवल है, बराबर है। ये देखिए, ये उस साइड वाला आउटरिगर पे 18 टन लोड है, पीछे वाले पे 14 टन है, इस साइड वाला पीछे वाला पे अपना 12.5 टन है। एक ये थोड़ा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, यूरोर दिखा रहा है, ये अपना लेवल दिखा रहा है। तो ये अपना ऊपर का कैबिन हो गया, ये अपना मेन चाबी हो गया, चाबी को ऑन करते हैं, लाइट आ गया डिस्प्ले में। अभी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ये अपना F2 से, ये जो F2 है इसे क्या अपना बैटरी वोटरी चेक कर लें, डीजल टेम्परेचर सब इसमें बताएगा F2 से, ये सब सही है। तो अभी हम बैक निकलेंगे, ये रहा नहीं ESC से बैक आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, ये अपना मेन चाबी हो गया। आइए दोस्तों गाड़ी अपने स्टार्ट हो गए, ये रहा हमारा ये स्विंग का है, जो कि अभी रेड सिग्नल है, ये स्विंग वाला काम कुछ नहीं करेगा, इसको ग्रीन करना पड़ेगा। तो ये ग्रीन यहाँ से होगा, ये बटन जो है इसको ऐसे दबाएंगे, ये देखिए ग्रीन हो गया। ये अरिया हाविस का है, बूम अप डाउन का है, ये बूम बाहर निकालने का है, ठीक है। तो ये तीनों को ग्रीन करेंगे हम इधर से,
ये हुआ, ये अपना एरिया हाविस का हो गया, ये अपना बूम अप डाउन का हो गया, ये बूम बाहर निकालने के लिए हो गया। आइए दोस्तों देखिए सब अपना ग्रीन हो गया, अब हम बूम लेते हैं। ये अपना एंगल बताएगा, बूम एंगल रेडियस बताएगा, ये अपना कितना लोड में गया है, मैक्सिमम लोड बताएगा, मिनिमम लोड बताएगा, अपना परसेंटेज बताएगा, ये बूम का कितना परसेंट निकला है, 50%, 100%, 50%, 100%, 50%, ये ऐसे अपना बताएगा। आइए दोस्तों बूम लेते हैं, ये अपना वैसे ही दोस्तों, अभी तक आप अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़। आइए दोस्तों एक बार अपना कटअप देखते हैं, ये अपना एंटी टू ब्लॉक सिस्टम हो गया, आप इस लेंगे। कटअप हो गया तो इसके लिए अपना बाईपास स्विच ये है, इसको दबा के ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, जो ये आवाज़ आना चाहिए। बाईपास हो गया, अब ये काम करेगा अपना, देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं हम। दोस्तों बूम निकालने के लिए हम पहले 75 प्लस का एंगल बनाएंगे, जो कि अभी 38 बना है, ये देख रहे हैं आप, इसको 75 प्लस करेंगे। तो ये अपना 75 का एंगल हो गया है, ये रहा, इसके बाद से ऑटो में तो सभी बूम निकालते हैं, हम आपको मैनुअली बताते हैं। देखिए ये F4 हो गया, जो कि ये दिखाई दे रहा है, इसके सामने वाला बटन F4, एक बार क्लिक किए फिर एक बार क्लिक करेंगे, दो बार। ऑटो में निकालने के लिए इसका कोड है ABACE, ABACE, लेकिन मैनुअली निकालने के लिए BABC, ठीक है। ये अपना उठा लिया, अब यहाँ से फिर से बैक आएंगे, ठीक, बैक हो गए। अब F5, जो कि बूम अंदर बाहर का दे रहा है, F5, अब ये अपना ग्रिपर लॉक, ग्रिपर और बूम दोनों लॉक है, बूम बाहर निकालना है तो पहले F1 को क्लिक करेंगे, ये अपना येलो दिखाई दे दिया, इसका मतलब अनलॉक हो गया, ऐसे भुक भुक करता ये येलो तो मतलब लॉक था। अभी तो अब बाहर निकालते हैं दोस्तों, ये देखिए ये अपना बाहर निकल रहा है, ये अभी 2800 जो हुआ है, ये अपना 5300 होगा, तो 50% अपना तीन नंबर ट्रॉली का निकल जाएगा, तीन नंबर बूम जो है वो 50% निकलेगा, ये अपना 5300 होगा तब, ये रहा। अभी देखिए निकल रहा है ये, ये 5300 हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको अंदर लेंगे पहले थोड़ा। अब F2 से इसको लॉक करेंगे, ठीक। अभी देखिए अभी लॉक नहीं हुआ है बूम अपना, 5200 है इसलिए।
ये देखिए अपना लॉक हो गया, तो ये पीला सिग्नल हो गया, अभी लॉक है, तो हम इसमें से अब बाहर निकल सकते हैं। ठीक, बाहर निकलने के लिए ये वाला बटन है, कोई भी फंक्शन हो बाहर निकलने के लिए यही वाला बटन है। तो हो गया दोस्तों, अभी ये अपना वाइपर का हो गया, ये लाइट का हो गया, ये ऊपर बूम के ऊपर लाइट का हो गया, ये बूम लाइट स्विंग हो गया। इसको करने से क्या, पॉइंट पे जहाँ काम करना है वहाँ पे आप लाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। ये एम्बुलेंस लाइट हो गया अपना, ये भी एम्बुलेंस लाइट हो गया, ये अपना मैकेनिकल रेस हो गया, इसको दबाने से एक्सीलेटर तेज हो जाएगा। ठीक है, अपना पार्किंग हो गया, ये स्टार्ट करने से पहले अलग से लगाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब बूम अंदर लेते हैं। बूम अंदर लेने के लिए भी यहाँ पे अपना 75 प्लस एंगल बनाएंगे। अभी 70 हुआ, 71 हो गया, तो ये अपना एंगल हो गया। उसके बाद से वही कोट डालेंगे। अभी क्या धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। हाँ अभी आ गया। F4 को दो बार दबाएंगे, फिर मैनुअल में ले रहे हैं, तो BA BC। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद F5, ये अपना बूम और ग्रिपर दोनों लॉक है, अभी बूम को अनलॉक करेंगे। अभी बुक कर रहे हैं, अनलॉक नहीं हुआ, थोड़ा सा बाहर करेंगे। हाँ अब अपना लॉक हो गया, अब ये लिवर से ऐसे अंदर लेंगे। अंदर आ गया, फिर बूम और ग्रिपर दोनों लॉक कर देंगे, फिर ग्रिपर को ऊपर करेंगे, ताकि ये ग्रिपर अनलॉक करेंगे, फिर ग्रिपर को ऊपर करेंगे ताकि दूसरा बूम अपना जो दूसरा ट्रैली है वो बाहर आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।